सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बल तथा गति के नियम। सो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, आपके हाथ में बुक्स जरूर होनी चाहिए और एक नोटबुक भी रहनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो फील होते हैं या जो हम आपको बताते हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपनी बुक कॉपी लेकर बैठिए और फिर ये सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम बहुत कुछ एक नया सीखने जा रहे हैं। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, ये जो हमारा चैप्टर है बल तथा गति, तो अगर हम गति को देखें और बल की बात करें, मीन्स फोर्स, और गति मीन्स मोशन। तो ये कोई चीज अगर चल रही है, वो किस कारण चल रही है, उस किसी एक वस्तु में गति आ रही है तो किस कारण आ रही है। तो इसका जो हम अगर गति की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि जब कोई चीज एक चल रही है या कोई चीज चलते हुए रुक रही है तो हम उस पर एक बल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इसके पीछे क्या हमारी थ्योरी है, इनको हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। टाइम है बुक खोलने का और देखते हैं हमारा ये चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है। बच्चों, आप लोगों ने भी अपना ये जो चैप्टर 9 है वो खोल लिया है, जो हमारा है बल तथा गति के नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ये आपको जब आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ये जो गति के नियम है ये आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आज जो हमारा है, हम इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसमें हम देखते हैं क्या क्या हमें समझा, एक चीज को समझना है। तो जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर हुआ था उसमें हमने जो एक सरल रेखा में, मीन्स एक जो सीधी जो एक रेखा जैसे होती है, मीन्स सीधी जो लाइन होती है, उसमें हमने देखा था कि कोई एक वस्तु है वो सरल रेखा की इस में जब वो उसमें जो एक मोशन होता है तो उसमें हम देखते हैं वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का हमने वर्णन समझा था कि कैसे कोई जो वस्तु जो सीधी जा रही है उसमें कैसे वेग आ रहा है और किस प्रकार एक त्वरण एक क्रिएट हो रहा है, एक्सेलेरेशन के बारे में हमने समझा था। एक्सेलेरेशन मीन्स त्वरण, ठीक है। तो हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक एक रूपता हमें देखने को नहीं मिलती थी, कि हम ये देखते थे कि वो अगर हमने एक देखा था यूनिफॉर्म मोशन, कि वो जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही थी। लेकिन जब हमने त्वरण की बात करी थी तो देखा था कि एक हमें समानता नहीं मिल रही थी कि जो वस्तु है वो एक समान समय में समान डिस्टेंस एक कवर कर रही है। हम ये देखते थे क्या 5 मिनट में अगर उसने 10 किलोमीटर चला है तो अगले 2 मिनट में वो 1 किलोमीटर ही चल रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि कभी अगर ट्रैफिक है, रोड खराब है, तो हमने एक सिंपल जो एक शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि गति में हमने एक वेरिएशन भी देखा था कि कोई वस्तु एक यूनिफॉर्म भी चल सकती है लेकिन उसके अंदर एक त्वरण क्रिएट होने के कारण हम उसकी जो एक उसमें हमें एक असमानता देखने को मिल रही थी, समानता देखने को नहीं मिल रही थी। और ये जो समानता असमानता की बात कर रहे हैं मीन्स कि कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये भी हमने देखा था कि ऐसी गति में कभी कभी एक रूपता होती है और कभी नहीं होती है, जो अभी मैं आपको बता रही थी। हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। तो ये एक है कि हमने गति के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वो गति किस कारण हो रही है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है। और हमें दूसरी जो बात देखनी है कि क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, कि हमने विभिन्न प्रकार की गति देखी, हमने सरल रेखा में भी देखी, हमने एक देखते हैं हम सर्कुलर भी होती है, अलग अलग हम गतियां देखते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार की जो गतियां हैं तो उसमें सभी का कोई एक कारण होता है या कुछ अपने आप हो जाती है, कुछ का कोई कारण होता है। और अगर ये ऐसा है कि कोई कारण होता है
तो इस कारण का स्वभाव क्या है, क्या नेचर है, कैसे ये एक चेंज लाता है, कोई चीज जो है वो मोशन में किस कारण आती है। तो ये सब जो हमारा एक कहें कि हम ये देख रहे हैं कि एक कार खड़ी है, थोड़ी देर में वो चल रही है, एक साइकिल खड़ी है, थोड़ी देर में चल रही है, कोई गेंद है वो एक जगह है लेकिन थोड़ी देर में हम देख रहे हैं कि वो मूव कर रही है। तो ऐसे हर चीज में, मतलब मेरा अर्थ है कि काफी चीजों में हम एक मूवमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सब का कारण क्या है, क्यों वो गति में आ रहे हैं, तो यही हमें समझना है। तो यही जो एक कि किस कारण कोई एक वस्तु चल रही है, किस कारण चलती हुई वस्तु रुक रही है, तो ये सब अगर हम जैसे हमारे साइंटिस्ट हुए तो उनको एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इसका असली कारण क्या है। हर चीज का हम जब साइंस के उससे सोचते हैं तो हमें उसका एक प्रॉपर एक हमें एक प्रूफ चाहिए होता है कि इस कारण ये एक गतिविधि हो रही है। तो यहाँ पे जैसे लोगों ने देख जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने देखा कि फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से अगर जब हम ठोकर लगाते हैं, मीन्स उसको या पैर से, हाथ से या हमारे शरीर से अगर वो कहीं से टच हो जाती है तो वो गति में कोई अगर एक वस्तु जैसे गेंद का एग्जाम्पल है तो गति में तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हमने उसको थोड़ा सा पुश करा तो वो हमेशा ही चलायमान हो गई, हमेशा ही चल रही है। हम क्या देखते हैं कि अगर हमने पैर से गेंद को मारा है, आप क्रिकेट का गेम देखते हैं, आप फुटबॉल का देखते हैं, आप हॉकी का देखते हैं, आप टेनिस का देखते हैं, कि हमने मारा लेकिन ऐसा नहीं है वो लगातार चल रही है, वो एक समय पर आके कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो दूसरी ये आई कि वो रुकी क्यों, अगर हमने उसको एक बल दिया, एक कोई वस्तु चल रही है तो उसका रुकने का क्या कारण है, ये भी एक प्रश्न सबके दिमाग में आ रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों से ये पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें एक किसी भी कोई भी चीज कितनी भी मान है, लेकिन अगर हम उसकी एक नेचर को समझें तो उसकी विराम अवस्था ही उसकी एक नेचुरल नेचर होती है। तो ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक ये जो हमारे जो वैज्ञानिक हुए गैलीलियो और आइजक न्यूटन, तो यहाँ पे इन लोगों ने फिजिक्स में बहुत इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, तो इन दो के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। गैलीलियो और आइजक न्यूटन, और इन लोगों ने जो हमारे ये जो वैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने वस्तुओं की गति के बारे में काफी कुछ एक रिसर्च करी, और इन्हीं की थ्योरीज को हम इस चैप्टर में और डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो हमने अपने अगर हम रोज की अपनी एक जो हमारा रूटीन चलता है उसमें हम देखते हैं कि स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ एक प्रयास करने पड़ते हैं, हमें कुछ करना पड़ता है। एक अगर बॉल है तो जब तक हम उस पर किसी अपने शरीर के अंग से या किसी एक वस्तु से हम उस पर एक बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु चलती रहती है। दूसरा, हम वो वस्तु जो एक चलायमान है वो थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत अगर एक तेजी से जा रही है तो हम एक फिर से एक बल का प्रयोग करते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल भाषा में देखें तो हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं खींचने की, धकेलने की या ठोकर लगाने की जो हम बात कर रहे हैं, इस क्रिया पर बल की एक अवधारणा आधारित होती है कि जो हमने हाथ है, हाथ से हम अगर हमने बॉल को करा तो यहाँ पे ये जो है तो इसका अर्थ है कि हमने खाली उसको टच नहीं करा है, हमने एक बल का प्रयोग करा है उस स्थिर वस्तु को चलायमान स्थिति में लाने के लिए। तो अब अगर हम बल कह रहे हैं, हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो अब यह आता है बल क्या है, फोर्स ये क्या है, इसको हम साइंटिफिक वे में कैसे समझा सकते हैं। तो ये जो बल की बात करते हैं ये ना तो किसी ने देखा है और ना ही
अगर हम कहें टेस्ट करा है, ना ही हमने इसको महसूस किया है। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या में देखें तो हमें जो बल का प्रभाव है ये हम या तो देखते हैं या एक महसूस करते हैं, है या नहीं है, कि कोई चीज चलायमान है, हम हाथ से कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो बल दे रहा है, और अगर कोई हमें धक्का दे रहा है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, ये जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं कि अगर हमने किसी चीज पर वस्तु लगाए किसी वस्तु पर अगर हमने बल लगाया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यही हम एनालाइज कर सकते हैं कि बल क्या होता है। तो वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। तो ये आपसे कहीं कहीं प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसे मार्क कर लीजिए। तो ये जो है, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने के लिए होती हैं। तो जब तक हम किसी वस्तु पे बल नहीं लगाते हैं, वो एक चलायमान स्थिति में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु में वेग का जो परिमाण बदलने के लिए उसकी या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है, कोई अगर चलायमान है, जैसे अगर हम गाड़ी साइकिल ही चला रहे हैं ना, साइकिल चला रहे हैं, तो अब अगर हमें उसको, अब आप सीधे जा रहे हैं, अब आपको दाएं गली में घूमना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ बल का प्रयोग करेंगे, हैंडल मोड़ेंगे, तब आप लेकर जाएंगे। आपके लिए तो आप सोच रहे हैं ये बड़ा सिंपल है, लेकिन जो हमारे एक साइंटिस्ट होते हैं वो सबका रीजन सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो है, अगर हमें दिशा भी चेंज करनी है तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो और दूसरी जो है कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का हम आकार या आकृति भी चेंज कर सकते हैं, है या नहीं है, कि जैसे हमारा ये स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग है उसको अगर हम खींचेंगे तो हम क्या है, ये जो हम कह रहे हैं खींच रहे हैं, तो एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने देखिए, यहां जब हमने खींचा तो इसका आकार हमने चेंज कर दिया, है ना, आप देख रहे हैं चेंज हुआ। ऐसी अगर हमने कोई हमारी जो थोड़ी दबाने वाली वस्तु है उसको जब हम प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, तो इसका फिर से आकार चेंज हम देख रहे हैं, आकार चेंज हो गया। तो यहां हम देखते हैं कि हम जो बल का प्रयोग या तो जो वस्तु का डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, हम आकृति चेंज करने के लिए यूज करते हैं, तो बल का प्रयोग किसी एक स्थायी चीज को चलाने का में प्रयोग होता है, चलती हुई चीज को रोकने के लिए प्रयोग होता है, कोई चीज चल रही है उसके वेग में परिवर्तन लाना है उसमें बल का प्रयोग होता है, कोई चलायमान वस्तु की अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है उसमें बल का प्रयोग हो रहा है, किसी वस्तु का आकार चेंज करना है उसके लिए बल का प्रयोग हो रहा है। तो बल का प्रयोग हम देख रहे हैं बहुत, एक हम बड़े आसानी से वो बोल देते हैं कि फोर्स लगाओ, दबा दो इसको, हम कहते हैं दबाओ इसको, या आपको ढक्कन खोलना है किसी चीज का, तो क्या करते हैं आप, बल का प्रयोग करते हैं और उसको खोलते हैं। तो अगर हम रोज की अपनी एक्टिविटीज को देखें तो हम बल का काफी प्रयोग करते हैं। अब इस बल के ऊपर क्या हमारी फिजिकल और थ्योरीज हमारे साइंटिस्ट ने दी हैं, इनको हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो अब तक जो पढ़ा है इसका आज हम शॉर्ट एक नोट देख लेते हैं। सो बच्चों, हम लोग देखते हैं बल का ही मेन, आज जो हम फोर्स पर ही हम लोगों ने ज्यादा फोकस करा, तो बल किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की आकृति या आकार भी बदला जा सकता है। सो बच्चों, आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने जो हमारा फोकस गया है वो बल पर गया है, और उसमें हमने देखा है कि किस प्रकार हम बल का प्रयोग जो हम अपनी दिनचर्या में एक देख सकते हैं, और उसमें हमने ये चीज और देखी कि जो चीज अभी हम एक बड़ा नॉर्मल वे में बोल रहे थे,
लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि इसके काफी साइंटिफिक हमें एक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तो वो हम आने वाले सेशन में समझेंगे। तो हमारा सेशन अब हम यहाँ यही रोक रहे हैं, अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। बाय।